आज शागंज के अंदर बस्ती दवाखाने का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें हमारे चांदमियार के एमएलए साहब मुमताज़ अहमद खान साहब के हाथ से और हमारे कारपोरेटर राजमोहन साहब और हमारे कांटेस्ट करने एमपी साहब, हमारे श्रीकांत साहब और काफ़ी टीआरएस के कायदीन और एमआईएम के कायदीन यहाँ मौजूद हैं, हमारे ऑफिसर्स भी हैं। सीएम साहब ने हर जगह तेलंगाना बनने के बाद लोगों के हेल्थ के लिए बस्ती दवाखाना का क़याम अमल में लाया है और इस तरह आज 18 बस्ती दवाखाने खोले जा रहे हैं। आज सबका मिलाकर टूटा 151 दवाखाने खोले गए हैं हैदराबाद के अंदर। एक ही मकसद है कि आवाम को अच्छी से अच्छी हेल्थ फराम किया जाए, उनके लिए अच्छे से अच्छा इलाज फराम किया जाए। उसके लिए मैं बहुत हमारे आनेबल सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे असद भाई जो हमारे एमआईएम के एमपी साहब हैं और सदर भी है, उनके ताउन से ओल्ड सिटी में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि बस्ती दवाखाने आप लोगों के लिए खोले जा रहे हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ दवा भी फ्री दी जा रही है और ख़ासतौर से ये कोरोना की वजह से हम लोगों के माशी हालत बहुत ख़राब हो चुके हैं, उसके लिए इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए सीएम साहब ने 5 बड़े दवाखाने खोलने का ऐलान किया है और उसका फाउंडेशन भी कुछ डाला है, कुछ लोगों को दवाखानों का डालना है और इस दवाखाने से बहुत अच्छी दवाएं और हुकूमत की तरफ से दी जा रही है। डॉक्टर्स भी ट्रेन डॉक्टर्स को अच्छा रखा गया और ख़ासतौर से कोरोना में जो लोग वैक्सीन नहीं लिए, उन तमाम मेरे भाइयों से अपील है कि आप एक बार ज़रूर वैक्सीन लीजिए। कई लोग पहले एक वैक्सीन लिए मगर दूसरा वैक्सीन नहीं लिए, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वैक्सीन जो है आप लेंगे तो आप सेफ रहेंगे। बहुत हुकूमत भी पब्लिसिटी कर रही है और जितने हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने हमारे भाई है बहन है वो इस कोरोना की बीमारी से महफूज रहना है तो ज़रूर वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है और आजकल सीएम साहब बहुत इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और हुकूमत हिंद की तरफ से भी बार बार ऐलान आता रहे कि वैक्सीनेशन लीजिए क्योंकि थर्ड फेज आने का डर है। और आज एक मोबाइल वैक्सीनेशन गाड़ी का भी इनॉग्रेशन किया गया ताकि जहाँ तक हो सके जहाँ भी कुछ एरिया में कुछ लोग जमा है तो वहाँ मोबाइल की गाड़ी की तरह जाकर वहाँ के तमाम लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस दवाखाने के इनॉग्रेशन पर मैं तमाम यहाँ के आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज जैनापुरे के शाहगंज के इलाके के अंदर जो बस्ती दवाखाने का इनॉग्रेशन हमारे महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह अमल में लाया, अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के अंदर हर बस्ती के अंदर बस्ती दवाखाने हुकूमत की जानिब से क़ायम किए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, खुसूसकर ओल्ड सिटी के अंदर, चूँकि ये बिल्कुल इकोनॉमिकली बैकवर्ड इलाका है। ये बस्ती दवाखाने से यहाँ के लोग इस्तफादा हासिल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि इस दवाखाने में तमाम बस्ती दवाखानों के अंदर ये कोविड वैक्सीन भी दिया जा रहा है। आप तमाम लोग 100% लोगों को चाहिए कि ये वैक्सीन लीजिए, चूँकि ख़तरनाक बीमारी है। आप देखें कि इससे कबल हज़ारों लोग इस बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से मोबाइल पब्लिसिटी भी करवाई जा रही है। इस मोबाइल पब्लिसिटी से हमारे वर्कर्स भी तमाम के तमाम मुतहरिक हैं। फिर एक बार मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आप पूरे के पूरे वैक्सीन लीजिए, ये अच्छी बात है, चूँकि वैक्सीन लेने से ये जो बीमारी है बीमारी ख़त्म हो जाती है। मैं एक बार फिर मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हर बस्ती के अंदर ये बस्ती दवाखाने कायम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। शुक्रिया।